जाएंगे पापा, ठीक है आ जाएंगे, आ जाएंगे पापा, आ जाएंगे, हम बोले ना, हम बोले ना आ जाएंगे ना। तुम अगर ऐसे करोगे तो फिर छोटा बाबू भी तो ऐसे करेगा ना। ना ना ना। अरे लेकिन ये मतलब बार बार पूछ रहा है मेरे से कि मम्मा क्या हुआ, कुछ तो हुआ है, पापा क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों कि हम यहाँ पे रहे हैं और वो ऐसे आए नहीं है ये। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, आप सब कैसे हैं दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज का ब्लॉग मेरा यहाँ से है क्योंकि मैं आई हूँ आज माँ के साथ दूध लेने के लिए और मज़ा आ रहा है, सुबह सुबह का टाइम है और थोड़ा मौसम भी ठंडा ठंडा किया हुआ है, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्ले स्कूल है जो कि हमारे घर के सामने ही है, तो देखते हैं। जब आरव छोटा था ना तो इसमें आया था वो पढ़ने के लिए। और ये एक मंदिर है जो कि है हरि मंदिर हमारे घर के सामने। और आप लोग सोच रहे हैं कि अभी मैं कहाँ हूँ, तो अभी मैं आई हूँ माँ के साथ बाहर और सुबह सुबह का टाइम हम आए हैं दूध लेने के लिए और दिखाते हैं आपको कि माँ कहाँ से दूध लेती हैं। चलिए चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से लेते हैं हम लोग दूध और जा रहे हैं दूध लेके आते हैं। तो हमने दूध ले लिया और अब हम लोग निकल रहे हैं, घर जा रहे हैं। धूप थोड़ा बहुत निकला हुआ है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं निकला हुआ है, लेकिन इधर का माहौल बहुत अच्छा है। आज माँ के साथ दूध लाने में मजा ही आ गया। सुबह सुबह सो के उठे और देखे कि माँ जा रही है दूध लाने के लिए, तो हम भी जाएंगे और हम भी माँ के साथ आ गए। जी का मंदिर है और ये हमारा हरि मंदिर, ये देख सकते हैं कोई पूजा भी कर रहा है। तो मैं घर आ गई चाय, तो मैं दूध लेके घर आ गई और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, सबके लिए चाय बनाऊंगी। तो दोस्तों, आ गए किचन में, किचन का साफ़ सफाई हो गया, भाभी कर रही है झाड़ू, साफ़ सफाई कर दी है, हम बना रहे हैं चाय। तो दोस्तों, माँ का चाय निकाल लिया है, जा रहे हैं माँ को देने के लिए। ले माँ, गौरा मंदिर आज से गेल छो। बहुत मस्त करता है, खाना अभी बना नहीं है तो खाना बन रहा है, तो सोचे तब तक ये लोग सो जाता है, फिर उठेगा आराम से खाना वगैरह खाएगा। और हम भी जस्ट अभी नहा के आए हैं, थोड़ा रेडी नहीं हुए हैं, तो टीका वगैरह कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग पिछले ब्लॉग में मेरा देख ही थे कि आरव के पापा मेरे से गुस्सा है, और मेरे से वो क्यों गुस्सा है ये भी आपको हमारे ब्लॉग में देखने को मिला ही होगा। तो मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों रहे हैं, ऐसे तो वो कभी गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे गुस्सा मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि हम किससे शेयर करें, किसको बोले। हाँ बेटा, उनसे जब बात हुई रात में मेरी, तो वो बोले कि हाँ तुम रेडी रहो, बच्चों लोग को भी रेडी रखना, हम आएंगे। तो वो बोले कि मतलब आएंगे, तो हम सोचे कि अब आएंगे ही, तो हम इसलिए जाने के लिए भी पूरे रेडी हो गए थे। मत ना जिद करो। तो दोस्तों, मतलब बच्चे लोग भी परेशान कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, हम एकदम अच्छे से रेडी हो गए कि हमको घर जाना था, और इसलिए हम बोले कि साड़ी वाड़ी पहन के हम रेडी हो गए कि वो अगर आएंगे तो फिर अब बात को हम नहीं बढ़ाएंगे आगे, या जो भी अगर वो गुस्सा है तो हम मालूक से भी बोलेंगे थोड़ा ऐसे समझाने के लिए थोड़ा बहुत, लेकिन वो आए ही नहीं। तो मतलब हमको मतलब समझ में भी नहीं आ रहा है कि माँ को बोले तो बोले क्या, और दो दो बच्चे को संभालना, इन लोग का मतलब समझ ही रहे होंगे आजकल के बच्चे कितना जिद करते हैं। वो कहाँ जाना था तुमको, अभी दुकान जाना था, और अभी तुमको पार्क भी जाना था ना पापा के साथ, पापा नहीं लेके गए ना हम लोग को, नहीं लेके गए ना। ये क्या है, चौकी लेके आया दादा लोग को दो जाके।
सो फ्रेंड्स हम नहीं समझा पा रहे बच्चे लोग को, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा तो हम किसी को क्या समझाएंगे, हम बच्चे को भी क्या समझाएंगे कि पापा, बस हम इन लोग को टाल रहे हैं कि हाँ पापा आ जाएंगे, अभी आएंगे, कल आएंगे। तो अभी जैसे एक और उम्मीद है मेरा कि कल संडे है तो कल वो आएंगे, आज अभी तो आए नहीं है, जो कॉल कर रहे हैं तो अभी भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तो ऐसे में हम क्या करें, क्या बोलेंगे? और हम पापा के साथ नहीं जा सकते दोस्तों, क्योंकि हम पापा के साथ ऐसे कभी हम नहीं जाते हैं, और वो जब गुस्सा है तो हम पापा के साथ जाके और बात को क्यों बढ़ाएंगे। इसीलिए हम बस उनका ही वेट कर रहे हैं ताकि वो आए जल्दी से और हम लोग को लेके जाए। हाँ तुम्हारे पास बहुत सारे अब्दा, चलो पापा को कॉल करेंगे। चलो कौन, हम लोग पापा को? और पता है दोस्तों, जैसे कि हम बोले ना कि ये जगह हमको बहुत पसंद है, देखो कितना आंसू निकला है, बाप रे, तुम थोड़ा सा इधर देखो पापा को। और देख सकते हैं दोस्तों, आरब मतलब बहुत समझदार बेटा है हम लोग का, पता है ये सब कुछ समझ जाता है, और इसको समझ में आ रहा है कि कुछ तो बात है कि पापा नहीं आ रहे, लेकिन ये मतलब बार बार पूछ रहा है मेरे से कि मम्मा क्या हुआ, कुछ तो हुआ है, पापा क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ दोस्तों कि हम यहाँ पे रहे हैं और वो ऐसे आए नहीं है। ये अगर सामने भी किसी टाइम बुलाता था, पापा चलिए आते हैं हम लोग घूमने चलते हैं, फिर भी वो आ जाते थे और इसको लेके घुमाने जाते थे। और आज वीकेंड है, सैटरडे संडे, तो आरव लोग का भी छुट्टी है, लेकिन अभी तक नहीं आए और एकदम तब से रो रहा है बेटा। कोई बात नहीं यार, अब आ जाएंगे कल, अभी नहीं आए ना, सुबह तक आ जाएंगे पापा, ठीक है? आ जाएंगे बाबा, आ जाएंगे, हम बोले ना आ जाएंगे ना। तुम अगर ऐसे करोगे तो फिर छोटा बाबू भी तो ऐसे करेगा ना। दोस्तों हमको खुद नहीं समझ में आ रहा हम कैसे किसको क्या समझा, इसलिए हम बस अपना मूड को डाइवर्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, इन लोग को भी रेडी करा के कहीं पार्क पास में वहाँ लेके जा रहे हैं, या फिर कहीं ये जो बड़े पापा का घर है हमारा उनके घर लेके जा रहे हैं, बस ऐसे ही हम दिन पार कर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसके आगे हम कुछ बोल नहीं पा रहे, मेरे पास कुछ है नहीं और बोलने को। दोस्तों तुमको भी ठंडा लग रहा है, तुमको पट्टी करवाएगा? छोटा बाबू फिर चौकी लेके आ गया, मेरा ठंडा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और प्लीज कमेंट कीजिएगा, ताकि आरब के पापा को भी वो कमेंट पढ़ के लगे कि नहीं हमको जल्दी से जाना चाहिए, आरब छोटा बाबू आशा सब वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा, तो बस यही मेरी दुनिया है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। तो बस हम नहीं चाहते कि मेरी दुनिया मतलब किसी की बुरी नज़र लगे, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा और उनको भी समझाइएगा कि वो ऐसे नहीं कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो यहीं तक रखना है, तब तक के लिए बाय बाय। चलो हम दिला दे रहे हैं, चलो हम दिला दे रहे हैं, चल छोटे बाबू देगा तू सबको। नहीं चलो चलो खरीदेंगे, फिर घर लेके जाएंगे, घर जाएंगे। मम्मा छोड़ दो, हम तो कुछ ले लेंगे, सभी को पार्टी करवा देंगे।